हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब वीडियो का पांचवा पार्ट है और आज के वीडियो में बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन की। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड किया जाता है, तो आज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको दो सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स गिवन है और आपसे पूछा गया है लोड रेजिस्टर RL के अक्रॉस VTH और RTH की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको पता है VTH की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। जो भी हमारा लोड रेजिस्टर होता है उसको आप ओपन कर दीजिए और जो भी इन टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वही आपकी VTH की वैल्यू होगी और जो इस पूरे नेटवर्क की रेजिस्टेंस होगा इसके अक्रॉस वही आपका RTH होगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब आप देखिए, इस पाथ की वाला पाथ आपका ओपन है। जब ये पाथ ओपन है तो इस ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, यानी कि इस ब्रांच में करंट की वैल्यू जीरो होगी। अब आप देखिए, ये 5 एम्पियर का एक सोर्स है और ये क्लोज पाथ है। इसका मतलब इस क्लोज पाथ में ही आपका 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो चलिए इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करते हैं। अब आप देखिए, जब ये 5 एम्पियर है तो यहाँ इस पूरे ब्रांच में 5 एम्पियर का करंट ही फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर इस पूरे लूप में। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो थी, तो इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज थी वही वोल्टेज अपीयर होगी इसके अक्रॉस, यानी कि इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी वो होगी VTH। अब देखिए, जब इसके अक्रॉस VTH वोल्टेज है तो हम इन दोनों को हटा के सिंपल एक इसे रिप्लेस कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स VTH से। जब हमने इसे रिप्लेस VTH से रिप्लेस कर दिया है, इसकी पोलैरिटी लिख लीजिए। यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है तो प्लस, माइनस। अब इस लूप में यहाँ से KVL लगा लीजिए, तो यहाँ पे माइनस पहले आया तो माइनस VTH, आगे बढ़े तो प्लस आया, प्लस IR यानी कि 5 × 30। फिर यहाँ पे प्लस मिला, प्लस 5 = 0। तो VTH की वैल्यू कितनी आ गई, 155 वोल्ट। अब आपको इसी क्वेश्चन के लिए थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना है। तो उसके लिए आपको पता है पहला मेथड, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा। तो इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो हमारा सर्किट कुछ इस टाइप से है। सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट हो जाएगा। जो करंट सोर्स है, करंट सोर्स आपका ओपन रहेगा। जब ये वाली ब्रांच में ओपन सर्किट है तो इसका मतलब हम इसे इग्नोर कर सकते हैं और इसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस आएगा वही आपका RTH है। अब ये दोनों सीरीज में आ गए हैं, इसका मतलब RTH इज इक्वल टू 30 + 25 = 55 ओम, ये आपका RTH है। तो इस अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको एक सोर्स, एक डिपेंडेंट सोर्स गिवन है। अब डिपेंडेंट सोर्स आपको क्या होते हैं? डिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड किसी और पैरामीटर पे डिपेंड करता है, यानी कि किसी और ब्रांच में फ्लो करने वाली वोल्टेज या करंट पे उनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। अब ये दोनों टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स। अगर आपका ब्लॉक के अंदर एरो की डायरेक्शन है, इसका मतलब वो एक करंट सोर्स होगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड किसी और पर डिपेंड कर रहा है। अगर ब्लॉक के अंदर, इस बॉक्स के अंदर प्लस माइनस है, इसका मतलब वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। सर्किट में जब भी आप RTH यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते थे, अगर आपके इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाता था और करंट सोर्स ओपन हो जाता था। लेकिन जब भी आपके सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स यूज होते हैं तो उनको आप ओपन या शॉर्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम दूसरे और तीसरे मेथड का यूज़ करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको एक डिपेंडेंट, देखिए ब्लॉक के अंदर एरो की डायरेक्शन है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 0.1 V और V इसके अक्रॉस की वोल्टेज गिवन है। इसका मतलब अगर V की वैल्यू 10 हो तो इस करंट सोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 V है, यानी कि इसकी वैल्यू 0.1 × 10 = 1 एम्पियर हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंट सोर्स है। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है इसके अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए, आपको पता है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होता है, लोड को जब आप ओपन करते हो तो उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होता है वही VTH होता है, यानी कि जब ये ओपन है इसके अक्रॉस का वोल्टेज ही थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ये वोल्टेज V गिवन है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में VTH = V ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए,
ये वाला पाथ की अगर हम बात करें, ये ओपन सर्किट है और ये एक ब्रांच है। जब वो ओपन सर्किट है तो इस ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, तो उसमें करंट की वैल्यू जीरो है। अब देखिए, ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स का काम होता है करंट को फ्लो कराना किसी भी क्लोज पाथ में, और यहाँ सिर्फ एक क्लोज पाथ है और तो कोई क्लोज पाथ है नहीं। इसका मतलब जितना करंट इससे निकल रहा है वो घूमता हुआ इस ब्रांच में फ्लो करेगा। इसका मतलब 0.1 V करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगा। हम सिर्फ इतने की अब बात करते हैं, इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करते हैं। तो इस सर्किट में हमें पता है इसके अक्रॉस V वोल्ट है। अब हम इसे V हटा के हम सिंपली इसे बैटरी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी पोलैरिटी वही होगी जो गिवन पोलैरिटी है, प्लस माइनस V। अब जब आपको ये पता है, आपको पता है इस ब्रांच में 5 0.1 वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा था, तो यहाँ पे करंट है 0.1 V करंट है। तो अब इसमें KVL लगा लीजिए। तो यहाँ से चलते हैं ऊपर को, -V -V, आगे बढ़े तो +4 +4, आगे बढ़े करंट एंटर कर रहा है तो प्लस, निकल रहा है तो माइनस, +0.1 V × 5। ये I है, ये R है, V = IR = 0, यही आपका KVL होगा। तो V = 4/0.5 = 8 वोल्ट, यही आपकी V = 8 निकला, और यही आपका V = VTH, आपका 8 वोल्ट थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज है। तो इस तरीके से आपने VTH की वैल्यू को फाइंड कर दिया, वो भी उस सर्किट में जिसमें एक डिपेंडेंट सोर्स था। तो चलिए अब RTH यानी कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जब भी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हो तो आप उसे शॉर्ट या ओपन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम दूसरे मेथड का यूज़ करते हैं। अब दूसरा मेथड आपका रेजिस्टेंस फाइंड करने का क्या था, RTH = VOC/ISC। तो VOC क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, वही वोल्टेज जो थेवेनिन वोल्टेज होती है, और वो आपने ऑलरेडी फाइंड कर दी है। अब आपको निकालना है ISC यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट। अब शॉर्ट सर्किट करंट के लिए आप क्या करेंगे, इस ब्रांच को आपने शॉर्ट करना है। तो चलिए दोबारा से नेटवर्क को ड्रॉ करते हैं। ISC की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको इसे शॉर्ट करना है। जब आपने इसे शॉर्ट किया तो यहाँ फ्लो करने वाला करंट ही ISC होगा। अब देखिए, इसके अक्रॉस की वोल्टेज पहले गिवन थी V। जब आपने इसे शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट करने का मतलब होता है इसके अक्रॉस की जो भी वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगी, यानी कि V की वैल्यू जीरो होगी। जब V की वैल्यू जीरो हो गई तो 0.1 × 0 = 0, इस ब्रांच से 0 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब इसमें कोई भी करंट नहीं है। अब सर्किट में एक क्लोज पाथ ये बचा, सिर्फ इतना। तो इसका मतलब ISC की वैल्यू कितनी होगी, V/R। इस क्लोज पाथ में वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट, और R की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। इसका मतलब ISC = 4/5 एम्पियर। ISC की वैल्यू निकल गई है। तो RTH = VOC/ISC। VOC की वैल्यू कितनी है, 8 वोल्ट, अपॉन ISC की वैल्यू कितनी है, 4/5। 4/5 = 10 ओम। इस तरीके से आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की है। इस क्वेश्चन में आपको इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बता होता है, ना तो आप डिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट कर सकते हैं ना ही उसे ओपन कर सकते हैं, तो आप पहला मेथड यूज़ नहीं कर सकते। और इसे जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली तीसरा मेथड यूज़ करते हैं। तीसरा मेथड आपसे क्या कहता है, जब भी आपका इस टाइप से कोई नेटवर्क गिवन हो तो लोड के अक्रॉस 1 एम्पियर का एक करेंट सोर्स लगा दीजिए, 1 एम्पियर। जब आपने इसके अक्रॉस 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया है तो V = आपको बताया होता है क्या होता है, IR होता है। तो R की वैल्यू V/I, इसमें इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, Vx है, Vx/I, इसमें करंट है 1 = इसका मतलब R = थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू वही होगी जो Vx की वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर आप Vx को फाइंड कर लें तो वही आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब इस प्रॉब्लम में आप देखिए, आपने यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगाया है, इसका मतलब इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। जब इसमें 1 एम्पियर है, ये करंट यहीं से आ रहा है, इसका मतलब IX की वैल्यू सीधे ही कितनी हो गई है, 1 एम्पियर हो गई है, क्योंकि ये सेम ब्रांच है, ये 1 एम्पियर है तो ये भी 1 एम्पियर होगा। अब आप देखिए, यहाँ पे लिखा है IX की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो
तो आई एक्स के बदले माइनस टू इंटू वन, यानी कि ये माइनस टू एम्पियर करंट होगा। माइनस टू एम्पियर करंट होने का मतलब है ये करंट यहाँ फ्लो करने के बजाय इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, यानी कि हमने उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो टू का माइनस टू का प्लस टू हो गया है। अब आप देखिए इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसमें 2 एम्पियर निकल रहा है। यहाँ पे आप केसीएल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से भी 1 एम्पियर का करंट आ रहा होगा, 1 एम्पियर वहाँ से, 1 एम्पियर यहाँ से, तभी 2 एम्पियर यहाँ से निकला होगा। अब आप इस नोड पे केसीएल लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से 1 एम्पियर इधर को निकल रहा है, 0.01 Vx करंट इधर को निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट एंटर कर रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड इसके और इसके सम के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक करंट 1 + 0.01 Vx फ्लो कर रहा है जिसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड को है। अब आपको इस सर्किट में इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं जो कि आपने सर्किट को देख के एनालाइज कर लिया है। तो चलिए इतने सर्किट को हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमने इसको भी लिख दिया 1 एम्पियर। इसमें आप देख सकते हैं इतना करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पे फ्लो कर रहा है 1 + 0.01 Vx करंट इस ऊपर की डायरेक्शन में। यहाँ नीचे करंट फ्लो कर रहा है आई एक्स, आई एक्स की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर है, इसका मतलब यहाँ फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का करंट, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है वी एक्स है, ये वी एक्स है। तो हम इसे सिंपली एक वी एक्स मैग्नीट्यूड के वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस माइनस, और आपको वी एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब देखिए अब आप सिंपल इसमें केवीएल लगा लीजिए, यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है तो ये प्लस, यहाँ से निकल रहा है माइनस, यहाँ पे एंटर कर रहा है तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ से एंटर कर रहा है तो प्लस और माइनस। इसमें सिंपल है केवीएल लगा लीजिए, तो केवीएल यहाँ से चलिए शुरू करते हैं इस टाइप से। तो सबसे पहले आया यहाँ से ऊपर चले तो -Vx, -Vx, आगे बढ़े तो माइनस साइन मिला, -IR, I की वैल्यू 1, R की वैल्यू 100, 1 × 100, फिर आगे चले तो फिर से माइनस मिला 300 ओम, और करंट की वैल्यू इतनी है तो -300 × 1 + 0.01 Vx प्लस, आगे चले तो हमें मिला 1 एम्पियर 800 वोल्ट प्लस साइन के साथ, प्लस 1 × 800 = 0। अब सिंपल आपने इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके इसका आंसर कितना आ जाएगा, Vx = 100 वोल्ट आ गया है। तो RTh = Vx, इसका मतलब 100 ओम RTh की वैल्यू इस मेथड से आ जाएगी। तो इस मेथड से भी आपके थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू या सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है, और इसका यूज़ हमारा बहुत सारी थ्योरम में होता है, जैसे थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, इन सभी में इसका यूज़ होता है।